1 जून 2023 को नांदेड़ के बोंडार हवेली गांव में दलित समाज से ताल्लुक रखने वाले अक्षय भालेराव नामी नौजवान की फिरका परस्तों की जानिब से किए गए कत्ल के मामले पर वंचित बहुजन अघाड़ी ने मुनज्जम एहतजाजी तहरीक शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में आज कलेक्टर दफ्तर के सामने वंचित बहुजन अघाड़ी की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाजी धरने का इनेकाद किया गया। धरने में नांदेड़ के अलावा पड़ोसी अजला से भी वंचित बहुजन अघाड़ी के अहदेदारान व कारकुनान ने शिरकत की और अक्षय भालेराव कत्ल मामले की पुरजोर मजम्मत की। धरने में वंचित बहुजन अघाड़ी के रियासती नायब सदर गोविंद दलवी, रियासती तर्जुमान फारूक अहमद, जिला सदर विठल गायकवाड़, शहर सदर अयूब खान, शिवा नरंगले व दीगर अहदेदारान मौजूद थे। इस एहतजाजी धरने के जरिए वंचित बहुजन अघाड़ी ने हुकूमत और इंतजामिया से जो मुतालबात किए हैं, इनमें महलूक अक्षय भालेराव कत्ल मामले की आला सतही जांच की जाए और इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर एक महीने के अंदर अंदर इसमें शामिल मुलजमीन को फांसी की सजा दी जाए। अक्षय भालेराव के पसमानदगान को 50 लाख रुपए की माली इमदाद दी जाए। इसके भाई या किसी एक फर्द को सरकारी मुलाजमत दी जाए। अक्षय भालेराव के पसमानदगान और बोंडार गांव के पसमानदा तबकात के लोगों को सिक्योरिटी फराहम की जाए। इस केस को दबाने की कोशिश करने वाले अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। ये और इस तरह के कई मुतालबात शामिल है। एहतजाजी धरने में सैकड़ों की तादाद में लोगों ने शिरकत की और अपने कौमी इत्तेहाद का मुजाहरा किया। चीड निर्माण झालेली आहे की एवढं गुराढोराला मारल्याच्या पलीकड माणसं मारल्या जातात, माणसाची हत्या केली जाते, कत्तल केल्या जाते, ही अतिशय निंदनीय आणि निषेधार्य बाब आहे। अशा घटना महाराष्ट्रात कधीही घडू नयेत अशा पद्धतीनं शासनानं पावलं उचलली पाहिजे, त्यासाठी या ठिकाणी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीनं निदर्शने ठेवलेली आहेत। मला या ठिकाणी या माध्यमातून एक सांगायचं आहे की महाराष्ट्रात छोट्यातली छोटी जरी घटना घडली तर त्याचे पडसाद महाराष्ट्राच्या विधिमंडळामध्ये पडतात, त्याचे पडसाद महाराष्ट्राच्या दोन्ही सभागृहामध्ये उमटतात। मग या ठिकाणी राज्याचे मुख्यमंत्री असो, राज्याचे उपमुख्यमंत्री असो किंवा राज्याचे दोन्ही सभागृहाचे विरोधी पक्ष नेते असो, हे या ठिकाणी सभागृहामध्ये आवाज उठवून त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या पद्धतीची चौकशी समिती गठित करून त्या ठिकाणी या प्रकरणाला वेगळ्या पद्धतीनं अतिशय जलद गतीनं त्या ठिकाणी ती प्रकरणं पुढे नेण्याचं काम करतात। परंतु महाराष्ट्राचं दुर्दैव आहे की या ठिकाणी काँग्रेस असेल, राष्ट्रवादी असेल, शिवसेना असेल, भारतीय जनता पार्टी असेल किंवा यांच्या आजूबाजूला असलेली तत्सम पार्टी आणि पक्ष असतील, या सगळ्या पार्टी आणि पक्षाच्या प्रमुख नेते मंडळींनी 2 ओळीचं ट्विट करून निषेध सुद्धा या घटनेचा नोंदवलेला नाही। हे अत्यंत निंदनीय आणि निषेधार्य बाब आहे। देखिए, पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि नांदेड़ समेत महाराष्ट्र में बार बार हमले हो रहे हैं। फिर इसके अंदर पिछड़े तबकात के लोग रहे, माइनॉरिटी के अल्पसंख्यक के मुसलमान रहे या फिर कोई भी समुदाय जो छोटी तादाद में होता है, जैसे भटके विमुक्त होते हैं, इनके ऊपर हमले हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, हत्याएं हो रही है। इसके खिलाफ़ में अभी देखा है कि नांदेड़ जिले के नांदेड़ तालुके के नांदेड़ शहर में लक्कर बसावा जो बोंडार तरपे हवेली नाम का गाँव है, वहाँ पर एक 24 साल के नौजवान की सिर्फ जातीयवाद के ऊपर हमला किया, गैर बराबरी की सोच से हमला करके उनकी हत्या की गई है। और उसके खिलाफ़ में आज और जितने महाराष्ट्र में हो रहे, पिछले दिनों में हम देखा नांदेड़ में भी जोमैटो की डिलीवरी देने वाले एक मुस्लिम बच्चे पे हमला हुआ, इसी तरह से नाम पूछकर मारने की एक घटना घटी। ऐसी कई घटनाएं नांदेड़ ज़िले में और पूरे महाराष्ट्र में हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को धर्म जात को अलग रख के राज करने के हुक्म दिया, कहा कि ये सरकार निष्कामी है। ये सरकार को उन्होंने बहुत ही गंदे अल्फाज में फटकारने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया। इसके बावजूद ये सरकार जाति और धार्मिक तेढ़ निर्माण करने के, दंगे और फिसाद निर्माण करने का, तैयार करने का काम कर रही है। इसके खिलाफ आज आंदोलन किया गया। अक्षय भालेराव के केस को फास्ट ट्रैक जांच करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर जो दोषी उनको कड़क सजा दी जाए। अक्षय भालेराव के परिवार को 50 लाख की मदद हो और वहाँ की उनकी फैमिली को मेंबर को एक नौकरी दी जाए और अक्षय भालेराव की फैमिली और पूरी बौद्ध वसाहत को लॉन्ग टर्म तक पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए। इस तरह के और जितने भी मामले हुए, हदगांव में मातंग समाज ने भीम जयंती मनाई बोलकर वहाँ पर हमला किया और वहाँ पर झूठे गुनाह फर्जी केस दाखिल किए, वो पीछे लेने की मांग की गई है। कुरुंदा पुलिस स्टेशन के हद में
भूखमारी के अंदर अमोल पवार की लाश बहुत ही डाउटफुल हालात में मिलती है। इसी तरह के हमलों को रोकने के लिए आज सरकार को, प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को आगाह करने के लिए एक एहतजाज किया गया। मुळात महाराष्ट्राच्या महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी मनवल्या गेलेल्या राज्यामध्ये अशा जातीयवादी घटना घडणं हे महाराष्ट्राच्या राजकारण्यांना, ज्या प्रस्थापित सत्तेत बसलेल्या राजकारण्यांना अशोभनीय आहे। खास करून या महाराष्ट्र राज्याच्या गृहमंत्र्यांना या घटनेची लाज वाटायला हवी की त्यांच्या कार्यकाळामध्ये दलितांवर होणाऱ्या अन्याय अत्याचाराची वाढ झालेली आहे, तर ती त्यांनी खरं खास करून लक्ष ठेवलं पाहिजे की कुठल्या जातीय मानसिकतेतनं तुम्ही एखाद्या समूहाला टार्गेट करताय, त्यांच्या अभिव्यक्तीला, त्यांच्या म्हणजे साधी जयंती साजरी केली म्हणून जर एखाद्याचा खून होत असेल तर किती भयानक परिस्थिती महाराष्ट्रात आहे हे आपल्या लक्षात येईल। तर मला असं वाटतं की गृहमंत्र्यांनी सगळ्यात पहिले याची जबाबदारी घेऊन स्वतःचा राजीनामा द्यावा की मी काबील नाही आहे म्हणून हे सांभाळण्याला, आणि दुसरी गोष्ट की ज्या अक्षय भालेरावची हत्या झाली त्यांच्या कुटुंबाला पूर्ण न्याय मिळाला पाहिजे, 50 लाखापर्यंतची रोख मदत, त्यांच्या भावाला सरकारी नोकरी, सुरक्षा, त्यासोबत इथे अजून काही मातंग परिवारांना दरोडेखोर म्हणून पोलिसांनी घोषित केलेलं आहे। कारण त्यांचाही गुन्हा तोच होता की त्यांच्या गावामध्ये त्यांनी जयंती साजरी केली, मातंग समाजाने जयंती साजरी केल्याबरोबर 75 वर्ष मातंग समाजाचा समुदाय जो शांतताप्रिय होता तो अचानक दरोडेखोर झाला, त्याही प्रकरणाला आम्ही या माध्यमातून वाचा फोडतो आहोत। राज्यातील दर आठवड्याला होणाऱ्या वेगवेगळ्या म्हणजे अगदी 8 दिवसापूर्वी आंबेडकर भवनासमोर आमच्या मुंबई अध्यक्षांवर जो काही हल्ला झाला त्याही हल्ल्याचा आम्ही निषेध करतो, आणि वरद हस्त आहे का हा आम्हाला पडलेला प्रश्न आहे। शिंदे सरकार आणि फडणवीस सरकारचा या सगळ्या गोष्टींना वरद हस्त आहे का, कारण की यांचेच पदाधिकारी या सगळ्या प्रकरणात अडकलेले आहेत आणि तेच कसे निघतात याचंही आम्हाला उत्तर हवं आहे। आणि जर हे जर उत्तर आम्हाला मिळाले नाही आणि न्याय जर मिळाला नाही तर हे आंदोलन काय स्वरूप घेईल याची कल्पना फडणवीस आणि शिंदे साहेबांना नाही असं मला वाटतं। आज आंदोलन सुरू आहे सध्या, काय भूमिका आहे, काय भावना आहे लोकांची, जे काय घडलं ते कसं त्याचा निषेध करतात? आज अक्षय भालेराव यांच्या मृत्यूस कारणीभूत असणाऱ्या सर्व आरोपींना कठोर शासन व्हावे या मागणीसह वंचित बहुजन आघाडी जिल्हा नांदेडच्या वतीनं नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे भव्य निदर्शने होत आहेत। या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये इथल्या काँग्रेस आणि भाजपातील जी राजकारणी लोक आहेत त्या लोकांचा हस्तक्षेप होता, त्यामुळं आरोपींच्या नातेवाईकांची आणि आरोपींचे CDR तपासून ह्याच्यामध्ये सहभागी असलेले सर्व शिवसेना आणि काँग्रेसचे स्टँडिंग आमदार मोहन हंबर्डे यांच्यासह सर्वांना या गुन्ह्यामध्ये सहआरोपी करून घ्यावे, 120B सेक्शन याच्यामध्ये ॲड करून घेतलं पाहिजे, कुटुंबाला संरक्षण दिलं पाहिजे, त्यांना जी आर्थिक स्पेशल अलाउन्सेस आहेत अट्रॉसिटी केसमधले ते लवकरात लवकर मिळाले पाहिजे, यासह इतर प्रमुख मागण्या घेऊन आज वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीनं आंदोलन झालेलं आहे।